तुम्हारे पास टोटल 3 कॉइन्स है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज। तुमने अपने पर्स निकाले, मुझे पता भी नहीं कॉइन कैसे हैं। तुमने एक कॉइन अपनी पॉकेट में रखे, 2 कॉइन अपने हाथ में रखे, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा कॉइन कहाँ गया। मैं क्या करूंगा, आपकी माइंड रीडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग करूंगा, बताऊंगा कौन सा कॉइन कहाँ पर है। विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट कॉइन, 5 रुपए का सिक्का। ये बस सोचो कि दिमाग में कहाँ पर है, फोकस करो, फोकस करो। डेफिनेटली पॉकेट में नहीं है, हाथ में। मसल रीड करता हूँ, बहुत ईजी है मसल रीड करके बताना कि 5 रुपए का सिक्का ही साथ में है। तो 5 रुपीज कॉइन इस हाथ में, मुझे नहीं पता 1 रुपीज है 2 रुपीज है, लेकिन इसको रिवील करते हैं। इमेजिन करो कि इस कॉइन को तुम हवा में से उछालते हो टॉस की तरह और ये नीचे गिरता है, हेड या टेल जो आया जो बोलोगे उसके हिसाब से बता दूंगा ये कौन सा कॉइन है। हेड्स, ये 2 रुपए का सिक्का है, या ये 2 रुपए का सिक्के में हेड्स आने। आखिर सिक्का बचा जेब में, तुम्हारा सिक्का है, लेकिन तुम्हें भी अभी उस सिक्के के बारे में ये नहीं पता कि उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। नहीं, बट तुमने सबकॉन्शियसली उसको देखा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। लेट मी रीड योर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज 1998, कॉइन बाहर निकालो। This coin is 1998 का 1 रुपए का coin।